हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं आपके लिए सैमसंग के 236 लीटर के कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर की, जिसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स सैमसंग ने पैक करके दिए हैं। तो कैसे इनके फीचर्स, क्या सैमसंग ने इनके अंदर नया दिया है, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। उससे पहले हर एक जितने भी इसके अंदर मॉडल्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, सबका आपको परचेज़ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इनका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो वहीं से आप इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से नज़र डालते हैं इसकी फर्स्ट लुक पे। जैसा कि अभी आपने इसकी फर्स्ट लुक की देखी, डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो सामने से जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन मॉडल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ये है सिल्वर कलर के अंदर, दो मॉडल यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे, एक मेहरून कलर में और एक ब्लू कलर में। और यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन इनके अंदर मिलने वाला काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको रिसेस हैंडल मिलने वाले हैं इसके अंदर, जिनको डैमेज होने का खतरा नहीं है। और यहाँ पे आपको जो मेन पैनल है इसका कंट्रोल पैनल, वो भी आगे की तरफ ही मिल जाता है, जहाँ से आप इसका टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिसकी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है RT28C3732S8 /2023, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। कैपेसिटी है इसकी 236 लीटर की और इसकी जो एनर्जी कंजप्शन आपको मिलने वाली वो है 2633 यूनिट पर ईयर। 2-स्टार रेटिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो कहना है मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छा रेफ्रिजरेटर है। अब हम अगर इसके अंदर के स्पेस की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरह का स्पेस आपको इनके अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको आइस कूल पैड भी अंदर ही मिल जाएगा फ्रीज़र में। बॉटल गार्ड्स की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको इसके अंदर मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको इसके अंदर तीन तीन शेल्फें मिलने वाली है, 1, 2, 3, सारी की सारी टफन ग्लास शेल्फें इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको जो इसका वेजिटेबल बॉक्स है वो भी काफ़ी बड़ा देखने में मिलेगा। ये देखिए कुछ इस साइज़ का इसके अंदर आपको वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको आइस क्यूब के लिए जो बॉक्स है वो यहीं पे रखा हुआ मिलेगा। आप इसको निकाल के ऊपर यहाँ फ्रीज़र में रख सकते हैं, ज़रूरत है तो रखिए, नहीं ज़रूरत है तो मत रखिए। यहाँ पर आपको आइस कूल पैड भी मिल जाता है, जिसके बेनिफिट ये है कि बाई चांस लाइट नहीं है, इन्वर्टर लो है, तो जो भी आपका सामान ख़राब होने वाला है आप इसके ऊपर रख दीजिए, 12 घंटे तक उसका बैकअप रहेगा, 12 घंटे तक वो ठंडा रहेगा। साइड में अगर हम बात करें डोर के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपने अंडे टमाटर वगैरह रख सकते हो, इसकी भी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, आप ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, जिससे नीचे आपकी बड़ी बोतल आ जाएगी। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ 2 लीटर की बॉटल्स को बड़े आराम से रख सकते हो। गैस कटर जो है इसका वो रिमूवेबल है, आप इसको निकाल के साफ़ करके ऐसे ही वापस सिंपली डाल सकते हो। बॉटल गार्ड्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनके अंदर मिलती है। साइड से अगर हम बात करें तो ये पूरा लेदर कोटिंग, लेदर फिनिश के साथ मिलता है। बैक साइड में इसके कोई जाली वगैरह कुछ नहीं है। और इसके अगर हम पफ वगैरह की बात करें तो बॉडी की जो पफ है वो भी काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी में मिलने वाली। इसी के साथ डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एक और भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आपने देखा होगा कि जो आपके सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा आइस जम जाती है साइडों में, जिसकी वजह से आपको दिक्कत क्या आती है, जब आप अपना आइस जमाने के लिए आप बॉक्स रखते हो, जो डोंगा रखते हो उसको आपको मुक्का मार के निकालना पड़ता है, ये काफ़ी एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाती है। तो ये वाली दिक्कत जो है आपके इस रेफ्रिजरेटर में फ्रॉस्ट फ्री है, ये पूरा कम्प्लीट फ्रॉस्ट फ्री होने की वजह से इसमें वो दिक्कत नहीं आती। जब आप इसके अंदर डोंगा आप रखोगे, जो बॉक्स आप रखोगे, वो ना तो चिपकेगा और ना ही कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बर्फ़ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको पानी वगैरह की दिक्कत भी इसमें
नहीं आती। तो ये भी जो डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर सैमसंग का है उसका ये भी बहुत बड़ा एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे एक एयर कटर भी मिल जाता है जिससे आपकी जो टोटली जो कूलिंग लॉस होता है वो बिल्कुल भी आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो इसके यहाँ पे ये चीज़ है पफ, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको इसके मिल जाती है। तो ये सब आपको इस रेफ्रिजरेटर में मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसके फीचर्स की, तो फीचर्स में देखिए काफ़ी अच्छे और यूनिक फीचर हैं, जिसके अंदर सबसे पहला और मेन फीचर है इसका कन्वर्टेबल 3-in-1। कहने का मतलब है इस रेफ्रिजरेटर को आप कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर जो ऊपर वाला फ्रीज़र वाला पोर्शन है वो आपका फ्रीज़र ही चलता है और जो नीचे फ्रिज होता है वो सिर्फ फ्रिज ही चलता है 12 महीने। पर इस मॉडल के अंदर आप फ्रीज़र को कन्वर्ट भी कर सकते हो। जस्ट आपने करना क्या है, ये जो फ्रीज़र वाला बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और जो आपका फ्रीज़र है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रिज के अंदर। इसी के साथ इसके अंदर आपको पावर फ्रीज और पावर कूल का मोड भी मिल जाता है। अगर आपको ऊपर वाले पोर्शन में फ्रीज़र में 31% एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो उसके लिए आपने पावर फ्रीज़ को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ऊपर आपकी 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज में 31% एक्स्ट्रा कूलिंग करना चाहते हैं तब आपने पावर कूल वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। टेम्परेचर को आप यहाँ पे मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यानी फ्रीज़र का टेम्परेचर इस बटन से आप चेंज कर सकते हो और जो नीचे वाला फ्रिज वाला पोर्शन है उसका टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको मिलता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर जिसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, वाइब्रेशंस काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर सैमसंग आपको 20 साल की कंप्रेसर की वारंटी भी दे रही है। साथ ही आप इसको रेफ्रिजरेटर को घर के सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे भी बड़े आराम से चला सकते हो, 2 CFL से भी कम लाइट पे रन हो जाता है जिसकी वजह से इन्वर्टर पे चल जाता है। इसी के साथ इसके ऊपर कोई भी स्टेबलाइज़र वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर 100 से 300 वाट अपने आप कंट्रोल करता है जिसकी वजह से कोई भी आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसके अंदर आपको 21 ईयर की VDE की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। कहने का मतलब इसकी जो कंप्रेसर की लाइफ है वो 21 साल की है। तो ये सब आपको सैमसंग ने इस 2023 के कन्वर्टेबल 236 लीटर के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पैक करके दिया है। साथ ही यहाँ पे एक शेल्फ आपको इजी स्लाइड के साथ मिलने वाली है, यहाँ पे इजीली स्लाइड हो जाती है, इसका मतलब है कि आप सामान आसानी से रख सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको डिओडराइजिंग फिल्टर भी मिलने वाला है जिसका बेनिफिट है आप 2-3 दिन फ्रिज नहीं खोलते हो तो स्मेल वगैरह नहीं होगी, मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है जिससे आपके फूड्स हैं जो वेजिटेबल है वो ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर फ्रेश रहेंगे। कलर्स इसके अंदर मेरे पास देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों कलर्स मिल जाएंगे। सबका परचेज़ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनका प्राइस चेकआउट करें, अच्छा लगे तो वहीं से आप इनको परचेज़ करें। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का 236 लीटर का कन्वर्टेबल 3-in-1 रेफ्रिजरेटर जो कि फ्रॉस्ट फ्री कूलिंग के साथ आता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय।